यह कोर्स भारत सरकार के द्वारा कंप्लीट फ्री में कराया जाता है। अधिक जानकारी के लिए हमारे प्ले लिस्ट में जाके इसका पूरा डिटेल में जान सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि पेशेंट का हाइजीन मेंटेन कैसे रखना, हाइजीन से रिलेटेड डेटमिन की जैसे कि मान लें पेशेंट जब क्या होता है लंबे टाइम जब सोया रहता है तो उसे क्या होता है बेड पे सोने के कारण उसमें घाव होने लगते हैं, प्रेशर के कारण भी घाव होते हैं। अब बैक केयर कैसे करना है, उसका बाथिंग कैसे करना है, जब वो बाथिंग करे तो उसको असिस्ट कैसे करना है, और कपड़े में जैसे मान लीजिए बैक्टीरिया से फ्री देना है, उसको ओरल केयर कैसे करना है, इन सब चीज़ों के बारे में इस मॉड्यूल में हम कंप्लीट जानेंगे। बेड सोर डेट मीन जब आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो क्या होता है कि आपको अगर लंबे टाइम पे एक ही पोजिशन पर रख दिया जाए, अगर आपको हिलाए नहीं मूवमेंट नहीं करे, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो गंदगी के कारण उसमें क्या हो जाता है आपको मतलब घाव होने लगता है। तो इसमें मान लीजिए फिर घाव होने के बाद आपको पेन होने लगता है, इन सब चीज़ों को आपको मेंटेन रखना है। अगर पेशेंट लॉन्ग टाइम है तो आपको मूवमेंट रखना है, एज के हिसाब से पेशेंट कंडीशन के हिसाब से आपको मूवमेंट करना है। आपका फूड सोर डेट मीन कि आपका प्रेशर सोर कह लीजिए, प्रेशर सोर डेट मीन कि किस किस कारण प्रेशर के कारण आपका घाव हो सकता है। जैसे कि आपका इसका कॉमन देखें कि कौन कौन से जगह से हो सकता है, तो ये पहले मान लीजिए वहाँ पे वेट होता है वहाँ पे ज़्यादा ये सोर का कॉज करता है, डेट मीन कि ये घाव कॉज करता है। जैसे कि बैक ऑन हेड डेट मीन कि पीछे के साइड स्कैपुला, आपका एल्बो जो है हील के कारण, और कान में रिब्स में ये सारे क्या करते हैं चिक्स में ये सारे क्या हो जाते हैं आपको मान लीजिए प्रेशर के कारण घाव होने लगते हैं। तो ये सब चीज़ आप जब GDA कर रहे हैं तो ये चीज़ आपको मेंटेन रखना है, आपको ध्यान में रखना है। देखिए कि ये जो प्रेशर सोर होता क्यों है, होता इसलिए कि प्राइमरी इसका देखें तो कि कंसिडर किया जाता है कि ये टिश्यू मान लीजिए आपको अगर एक साइड से सोला हुआ है अगर तो गाल के इसमें सोला हुआ, तो अगर वहाँ पे चीक पे ज़्यादा देर तक रहे तो वहाँ के टिश्यू पे क्या कहते हैं पड़ता है, जिसके कारण वहाँ के एक्सिट मूवमेंट नहीं हो पाता है, उससे भी आपका शोर कॉज करता है। मान लीजिए देखिए इसका कारण क्या है कि आप बोर्ड सही से पेशेंट को सिलाते नहीं है, या तो फिर बेड का सही पोजीशन नहीं करते हैं, फ्रिक्शन की वजह से हो सकता है, मॉइस्चर की वजह से हो सकता है, ये सारे इसका कॉज है जिसके कारण ये प्रेशर थोर हो सकता है। अब जानते हैं कि बैक केयर क्या होता है। बैक केयर डेट मीन कि आपके पीछे के जो साइड है उस वाले साइड पर काम करना, ये इसके लिए इसलिए देते हैं कि वहाँ पे मसाज करते हैं उसमें अटेंशन करते हैं। इसका देखिए रीज़न क्या है कि बैक केयर देते हैं या तो फिर बैक केयर मसाज देते हैं, सबसे पहले क्या करता है ये स्टिमुलेट करता है सर्कुलेशन सिस्टम के। आप जब सोए रहते हैं तो आपका हार्ट रेट मतलब मिनिमम चलता है, एक कंडीशन जो नॉर्मल है उस कंडीशन में चलता है अगर आप सही है तो। आपको जब मान लीजिए बैक केयर देता है मसाज देता है तो आपके बॉडी फंक्शन स्टिमुलेट करता है, सर्कुलेशन अच्छा काम करता है, साथ में ये करता है कि प्रिवेंट प्रेशर सोर्स प्रे अगर बैक केयर देता है तो बैक एक साइड अगर सोए सोए रहते हैं तो आपको क्या करता है जब वो मसाज देता है तो आपको पीछे का जो है प्रेशर कम पड़ता है, जिसके कारण आपके जो है पीछे घाव कम होंगे, घाव नहीं होते। फिर क्या होता है कि इसका और एक बेनिफिट है, जब आप मसाज करते हैं तो पीछे जब क्लीन रखते हैं तो हेल्दी रहता है स्किन। फिर इसका वह प्रेशर जो है इसे ऑब्जर्व करता है बैक पेन में, इसमें रिलीफ करता है प्रेशर पॉइंट पे, ये सारे मूड जैसे आप किसी पेशेंट को अगर पीछे से मान लीजिए बैक केयर देंगे तो उससे मूड अच्छा होता है और जो थकावट है उसे कम फीलिंग होता है, और इट टू इंड्यूस स्लिप, ये सारे रीज़न होते हैं क्योंकि हम बैक स्लिप इसलिए देते हैं, डेट मीन कह लीजिए बैक मसाज इसलिए देते हैं। बाथिंग एंड इट्स इम्पॉर्टेंट, मतलब बाथिंग का क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए बाथिंग एक नेसेसरी है जब किसी पेशेंट को मान लीजिए उसका मूड खराब हो या तो फिर उसको मान लीजिए उसका कंडीशन खराब है तो उसको डेली बात करवाना चाहिए, अगर कोई परेशान ना हो अगर डॉक्टर एडवाइस करे तो। उससे क्या होता है पेशेंट का ताजगी आता है, उसका मूड अच्छा होता है। कॉमन बाथिंग टेक्निक देखेंगे तो इसमें तीन तरह का मेनली बाथ होता है। सबसे पहले होता है कि कंप्लीट बाथ, कंप्लीट बाथ कह लीजिए कि पूरे अच्छे से नहाना अगर उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद आता है आपका फिर पार्शियल बाथ, पार्शियल बाथ मतलब ये भीगा हुआ कपड़ा देके आप उसे बॉडी में पोंछ के उसे पार्शियल बाथ दे सकते हैं। और फिर आपका तीसरा है शावर या तो फिर टब बाथ, मतलब कि टब में डुबा के उसे बाथिंग करना। जब बाथिंग करवाएंगे तो आप इसे ध्यान में ये चीज़ रखेंगे कि पानी का टेम्परेचर हाई नहीं होना चाहिए, पानी का टेम्परेचर नॉर्मल होना चाहिए, ये सारी चीज़ आप एज ए GDA इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा।